मतदान से ठीक पहले औरंगाबाद में मिले दो आईईडी बम, बड़ी साजिश में नाकाम हुए नक्सली। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। उससे पहले औरंगाबाद के ढीबरा थाना क्षेत्र से सीआरपीएफ ने दो आईईडी बम बरामद किए हैं। सीआरपीएफ द्वारा इन्हें नष्ट किया गया। प्रथम चरण के मतदान को लेकर औरंगाबाद में पुलिस और सीआरपीएफ का कड़ा सुरक्षा घेरा है। सीआरपीएफ के जवानों ने जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कॉबिंग अभियान भी चलाया हुआ है, जिसके तहत मतदान से ठीक पहले सीआरपीएफ के जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी। ढीबरा थाना क्षेत्र में सीआरपीएफ की 153/डी बटालियन ने बालूगंज बरंडा रोड पर बने पुल के नीचे से दो आईईडी बम को बरामद कर लिया है। इस बम को नष्ट किया जा चुका है। चुनाव को लेकर जिले भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी द्वारा चुनाव बहिष्कार के ऐलान के साथ ही अशांति फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। नक्सलियों की इस कोशिश को नाकाम करने के लिए पुलिस और सीआरपीएफ के जवान मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। स्पेशल डेस्क टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।